जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। चलिए आज इस वीडियो में विकास सिकोटेक को डिस्कस करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कंपनी कैसी है, साथ ही जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उस सेक्टर का भविष्य कैसा है, और यदि सेक्टर का भविष्य दमदार है, उज्जवल है, तो क्या यह कंपनी अपने मैनेजमेंट और अपने फंडामेंटल के बदौलत खुद को ग्रो कर पाएगी कि नहीं समय के साथ। तभी हमारा यदि इसमें इन्वेस्टमेंट है या नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमारा बेनिफिट होगा, हमारा शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे, नए और पुराने, लेकिन शुरुआत हम सब शुरू से करेंगे। जैसे मैंने बताया कंपनी का सेक्टर काफ़ी उज्ज्वल है, तो ऐसी कंपनी काम क्या करती है, सेक्टर मतलब किस सेक्टर की कंपनी है, तो देखेंगे केमिकल बनाने वाली कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है और साथ में थोड़े बहुत पॉलीमर के काम धाम में भी कंपनी इन्वॉल्व है, लेकिन कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है केमिकल के सेक्टर से आता है। अब देखिए मैंने क्यों कहा कि जो केमिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियाँ हैं उनका भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि आजकल खाने पीने से लेकर नहाने धोने और चेहरे में लगाने तक, यानी कि लगभग हर एक चीज़ में केमिकल का यूज़ किया जाता है। और जब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका डिमांड हर एक चीज़ में हो, उसकी ज़रूरत हर एक चीज़ में हो, तो उसका डिमांड हमेशा रहता है और उसकी उस तरह के जो कंपनी है जो काम धाम करने वाली उनके शेयर प्राइस में हमेशा एक बैलेंस बना रहता है। जैसे मैं आपको बताऊँ तो आप FMCG की जो कंपनी देखते हैं, FMCG यानी खाने पीने की जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उनका शेयर प्राइस देखेंगे तो हमेशा स्टेबल बना रहता है। ये नहीं कंपनी का शेयर प्राइस लगता है धीरे धीरे ग्रो करते करते ऊपर जाता है, यानी कि एक स्टेबिलिटी इस तरह के स्टॉक में देखने को मिलती है। काम के हिसाब से देखें तो फ्यूचर में इसको ग्रो होने के चांसेज हैं। लेकिन अब चलिए फंडामेंटल समझते हैं, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। मार्केट कैप तकरीबन 450 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी बढ़िया बात है, और शेयर प्राइस देखेंगे तो 3.5 रुपये के आसपास है। हालांकि वैल्यूएशन भाई तो थोड़ा बहुत महंगा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो पेनी स्टॉक होते हैं उनका वैल्यूएशन महंगा होता ही है, और बुक वैल्यू से भी शेयर प्राइस देखेंगे तो ज़्यादा है, यह भी काफ़ी कमाल की बात है। यानी कि ओवरऑल अभी तक जितना चीज़ें देखा हम लोगों ने फंडामेंटल में वो बढ़िया मिला। सबसे कमाल की बात यह है कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यह भी देखेंगे तकरीबन 5-6% के आसपास है, ये तकरीबन 4% के आसपास है, ये तकरीबन 6-7% के आसपास है। यानी कि ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ कमा कर देगी ही। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है इस कंपनी का कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में आपको निराश नहीं करेगी, जितना भी पैसा आप लगाएंगे उसमें साल भर में कुछ ना कुछ आपको मुनाफा ही मिलेगा। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आपकी इक्विटी पर रिटर्न जो है 4% के आसपास है। मान लेते हैं 4% नहीं भी मिलेगा, फिर भी आपको 2% तो कम से कम जरूर मिलेगा। अब टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से भी चार्ट पर देखें, चार्ट क्या बोलता है, ताकि देखिए मोटा मोटी बात यह है कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी देखेंगे, ये जो लाइन है ये लाइन देखिए 3.5 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसके लिए रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है। यहाँ पर कई बार इस कंपनी ने रेजिस्टेंस भी लिया है और अभी देखेंगे तो अभी कह सकते हैं कि वो कैसे सपोर्ट भी लिया है। अब दिक्कत ये है कि यदि यहाँ से प्राइस ये जो नीचे आ रहा है 3.5 रुपये के नीचे आ जाता है तब चिंता की बात होगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी नीचे आएगा, या आया भी तो यहाँ तक आ सकता है 3 रुपये के आसपास, और फिर यहाँ से एक शानदार बाउंस बैक लेगा, प्राइस ऊपर उठेगा रिट्रेसमेंट मार्केट। लेकिन मुझे चांस नहीं कि यहाँ तक आया, तो फिर मान लेते हैं आता भी है तब भी यदि नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जब 3 रुपये के आसपास से आके प्राइस ऊपर उठेगा और 3.5 रुपये के लेवल को निकालेगा तो 3.5 रुपये के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी का पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है तो अभी इस शेयर को बेचने की मत सोचिए, क्योंकि फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है इस कंपनी का। यदि इस कंपनी का शेयर प्राइस मान लीजिए नीचे आता है 3 रुपये के आसपास, तो यहाँ पर आप थोड़ी बहुत और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बेस प्राइस कम कर सकते हैं, और फिर जब यहाँ से प्राइस ऊपर निकलेगा तो ईजिली कम से कम 4.5 रुपये के लेवल तक तो आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यदि प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना लंबी अवधि के आप निवेशक हैं तब तो आपको कोई सोचना ही नहीं है। 4.5 रुपये के ऊपर निकलेगा तो फिर आप और मतलब क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि 4.5 रुपये के ऊपर निकलेगा तो बहुत तेज़ी से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, और कम से कम आप मान कर चलिए 7-8 या 10 रुपये तक के लेवल के लिए आप जा सकते हैं बहुत कम समय में। तो चार्ट के माध्यम से जो बातें थी मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि चार्ट क्या बोलता है, कहाँ पर नए व्यक्ति को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, पुराने व्यक्ति के लिए इसमें क्या करना है। इस यहाँ पर थोड़े बहुत और यदि आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको जवाब दे दूंगा। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं थोड़ा सा कंपनी का क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। ये सेल्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि सेल्स इस कंपनी का पिछले 2 क्वार्टर में बढ़ा है, यानी कंपनी का सेल्स आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, और सेल्स के साथ कंपनी के जो खर्चे हैं वह भी कंट्रोल में है, मतलब कुछ ज़्यादा कंपनी अपने अवकाश से ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही है। इस वजह से जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यानी जो मेन बिजनेस एकदम जैसे केमिकल वाले बिजनेस से इसकी जो कमाई है वह भी बढ़ रही है कंपनी, और जाहिर सी बात है जब सब चीज़ बढ़ेगा तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट उसको कहते हैं जो टैक्स वैक्स देने के बाद बचता है, वह भी देखेंगे तो प्रॉफिट में और धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
इस कंपनी में यदि किसी का इन्वेस्टमेंट है तो उसे अभी अपना इन्वेस्टमेंट संभाल कर रखना चाहिए, और जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ वहाँ पर यदि मौका मिले तो एवरेजिंग जरूर करना चाहिए, आप एवरेजिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी विकास इकोटेक का काम धाम बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है, फंडामेंटल भी बढ़िया है, और जिस सेक्टर में काम करती है उसका भविष्य भी काफ़ी उज्ज्वल है। इस कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में आपको धीरे धीरे से लेकिन वैसे ऊपर की तरफ जाते हुए ही दिखेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको इस कंपनी के बारे में बताई आप समझ पा रहे होंगे। मन में कुछ सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।